सुल्तानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम 2047 में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति होगा बृजेश पाठक। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही बृजेश पाठक। निकाय चुनाव में मिली अद्भुत सफलता, लोकसभा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे डिप्टी सीएम। सरकार के धरातल पर पहुंची योजनाओं से गरीबों के जीवन स्तर में आया बदलाव। सुल्तानपुर में दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सुबह पुलिस लाइन सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा ली। डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के पेच भी कसे। इससे पूर्व आज सुबह बृजेश पाठक सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और फरियादियों से मिले, उनकी समस्या को सुनकर त्वरित निस्तारण के बाबत निर्देश दिए। सर्किट हाउस से मिलने आए किकबॉक्सिंग के बच्चों को प्रमाण पत्र देकर उनके साथ ग्रुपिंग करवाए और उसके पश्चात डिप्टी सीएम ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। समीक्षा बैठक के उपरांत 9:30 पर जिला चिकित्सालय में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता की कमियां पाए जाने पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं अगर बात करें समयावधि के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ने जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती एक एक मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा और स्वास्थ्य सेवा की जानकारी ली। पत्रकार वार्ता करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के बेमिसाल 9 पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से घर घर तक और जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और पहुंचने पर लगा है। लोगों को केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे और उन्होंने क्या कुछ कहा ये दिखाते हैं विस्तार से। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18 के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से घर घर जन जन तक पहुंचेगी। केंद्र की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। संपर्क अभियान के साथ साथ जनसभाएं भी होंगी और सभी हमारे केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पूरे प्रदेश में जुट करके जन जन को इस बात का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और दुनिया के पैमाने पर भारत का सम्मान बढ़ा है, घर घर जाकर के बताएंगे। अब भारत एक बदलता हुआ भारत है, भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा है। 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष हम मना रहे होंगे तब दुनिया की जो तीसरी बड़ी शक्ति है आर्थिक दृष्टि भारत होगा। अभी हम पांचवी बड़ी शक्ति हैं और तीसरी शक्ति को बनाने को लेकर सारी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजनाओं को लागू किया उत्तर प्रदेश में 100% उनको लागू किया गया। सर, सुल्तानपुर में सर यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है।